Assalamu alaikum and hello everyone. This is Sayyid Nadir Kazmi and you are watching Learn More with Nadir Kazmi. In this video, we are going to discuss what is conjunction and its types, coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunctions. Before starting the video, if you haven't subscribed to this channel, then must subscribe below and press the bell icon as well. Now let's get started. First of all, what is conjunction? Conjunction एक word से मिलकर बना है, वो है junction. Junction का मतलब है a place where two or more things join or cross. यानी एक जगह जहाँ दो चीज़ें आपस में मिलती हों या cross करती हों. आपने railway junction भी सुना होगा. वहाँ पर बहुत सारे tracks होते हैं जहाँ पर trains cross करती हैं. वहाँ एक track दूसरे track के साथ join होता है. अब कंजक्शंस क्या हैं, चलिए डेफिनेशन देखते हैं. कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट कंजॉइन और लिंक द वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस. यानी ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो सेंटेंस में वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अलीज़ा एंड असलम आर फ्रेंड्स. अलीज़ा और असलम फ्रेंड्स हैं. इस सेंटेंस में एंड एक कंजक्शन है जो अलीज़ा एक नाउन है और असलम एक और नाउन है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है. आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा और बिरयानी. मैं पिज़्ज़ा या फिर बिरयानी खाना चाहता हूँ. इस सेंटेंस में और एक कंजक्शन है जो पिज़्ज़ा और बिरयानी को आपस में ज्वाइन कर रहा है. आई वेंट टू सी हिम When he was sick, जब वो बीमार था तो मैं उसे देखने गया. इस सेंटेंस में when एक कंजक्शन है जो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक और ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है. और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, when he was sick, जब वो बीमार था, I went to see him, मैं उसको देखने गया. अब when को हमने सेंटेंस की बिगनिंग में लगा दिया, तो कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा बीच में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम सेंटेंस की बिगनिंग में नहीं ला सकते. लेकिन कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम बिगनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ टर्न टू द टाइप्स ऑफ कंजक्शन. नंबर वन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर सिंगल वर्ड्स दैट जॉइन और लिंक वर्ड्स फ्रेजेस और एलिमेंट्स. यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये सिंगल वर्ड्स होते हैं जो लफ्ज़ों, फ्रेजेस और क्लॉजेस या एलिमेंट्स को कंजॉइन करते हैं, लिंक करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 7 हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. और इनको याद करने का एक आसान तरीका है, आप एक वर्ड को याद करें, फैन बॉयज. जी हाँ, फैन बॉयज, एफ स्टैंड फॉर, A stand for ain't, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. So these are the coordinating conjunctions. Now let's use these into the sentences. I have bought a new mobile for you. मैंने आपके लिए एक नया मोबाइल खरीदा है. He loves both mangoes and bananas. वो दोनों यानी आम और केलों को पसंद करता है. Neither the red nor white dress looks good on me. ना ही लाल और ना ही white dress मुझ पर अच्छी लगती है. I want to go with you, but I have a lot of work to do. मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे बहुत सारा काम करना है. Would you like tea or cold drink? क्या आप चाय लाना चाहोगे या cold drink? He practices daily. Yet he couldn't put up a good show yesterday. वो रोज़ाना प्रैक्टिस करता है लेकिन फिर भी वो कल कोई अच्छा शो नहीं दे सका. Both boys work hard so that they come first in tournament. दोनों लड़के सख्त मेहनत करते हैं ताकि वो टूर्नामेंट में अव्वल आ सकें. Remember, याद रखिए कि these coordinating conjunctions never come at the beginning of the sentence. कि ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये सेंटेंस की बिगनिंग में कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ कंजंक्शंस को हम सेंटेंस की बिगनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं होते.
Now have a look on the second type of conjunction, and that is subordinating conjunctions. This type of conjunctions include words like because, if, although, since, until, and why. And these conjunctions are used to introduce a dependent clause. और ये जो conjunctions हैं ये किसी dependent clause के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमने अपनी previous video जो हमने clause versus phrase बनाई थी उसमें dependent और independent clause जो कि clause के types हैं उनको define कर दिया है। अगर आप वो video देखना चाहते हैं तो video की description से और ऊपर I button की मदद से आप वो video देख सकते हो। Now let's take an example. Because I woke up late this morning, I went to school without eating breakfast. क्योंकि मैं आज सुबह देर को उठा तो मैं बगैर नाश्ता खाए स्कूल चला गया। अब यहाँ पर I woke up late this morning ये हमारा एक independent clause है क्योंकि इसमें subject verb combination है, I एक subject है, woke verb है और ये हमें क्लियर सेंस दे रहा है। I woke up late this morning, मैं इस सुबह आज सुबह देर को उठा। लेकिन जब इसके साथ हम because को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज में से डिपेंडेंट क्लोज बन जाता है। कैसे? Because I woke up late this morning, क्योंकि मैं आज सुबह देर को उठा। फिर क्या? तो आप देख सकते हैं कि because के ऐड करने से ये हमें क्लियर सेंस नहीं दे रहा और ये इंडिपेंडेंट क्लोज में से डिपेंडेंट क्लोज बन जा रहा है। और जब हम इसके साथ किसी और इंडिपेंडेंट क्लोज यानी आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट इसको ऐड कर रहे हैं तो फिर ये जाके कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है और ये हमें क्लियर सेंस भी दे रहा है अगर इसे अलोन इस्तेमाल किया जाए। और इस सेंटेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं, I went to school without eating breakfast because I woke up late this morning. मैं बगैर नाश्ता खाए स्कूल चला गया क्योंकि मैं इस सुबह देर को उठा, देर को जागा। So you can see these subordinating conjunctions can also be used at the beginning of the sentence. और जो coordinating conjunctions होते हैं they can never be used at the beginning. लेकिन subordinating conjunctions को हम beginning में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Now let's use these subordinating conjunctions into the sentences. If he comes, what will you do? अगर वो आता है तो आप क्या करोगे? Although she has come here several times, she hasn't met me yet. हालांकि वो यहाँ पर कई बार आई है लेकिन वो अभी तक मुझसे नहीं मिली। Since I had met him once before, I recognized him right away. चूंकि मैं उससे एक बार पहले मिल चुका हूँ मैंने उसको फौरन पहचान लिया। Until he comes, I can stay out. जब तक वो आता है मैं बाहर ठहर सकता हूँ। While I was waiting for him, two cars passed by me. जब मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा था तो दो कार्स मेरे पास से गुजरी। Now turn to the third and last type of a conjunction, and that is correlative conjunction. Correlative conjunctions are pairs of words that work together to connect two parts of a sentence that have equal value. Correlative conjunctions words के pairs होते हैं जो एक साथ काम करते हैं sentence के दो parts को मिलाने में और उनको एक जैसी value होती है। अब इस definition को हम examples के through समझते हैं। इसके जो common examples हैं उनमें either or, neither nor, not only but also, both and ये included हैं। Now let's use these into the sentences. I will either go to Melbourne or London. मैं या तो Melbourne जाऊँगा या फिर London. Neither this nor that he likes. ना ही ये और ना ही वो ये पसंद करता है। Not only I went there, but also looked for him a whole day. ना ही सिर्फ मैं वहाँ गया, बल्कि सारा दिन उसको ढूंढता रहा. Both the son and father plays cricket daily. दोनों बाप बेटे रोजाना क्रिकेट खेलते हैं. अब इन सेंटेंसेस में देखें.
हमने डेफिनेशन में कहा कि ये दो पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, जिस तरह ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। और हमने कहा कि उनको एक जैसी वैल्यू होती है। वो कैसे? अब अगर इन सेंटेंसेस में से हम किसी भी एक को हटा लें तो क्या ये सेंटेंस हमें सेंस देगा? बिल्कुल भी नहीं। देखें, आई विल ईदर गो टू मेलबोर्न, अगर हम आर को हटा लें तो क्या ये सेंस देगा हमें? नहीं। और इसी तरह सेकंड सेंटेंस में से भी अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक को हटा लें तो ये फिर भी हमें सेंस या मीनिंग नहीं देगा। तो इससे ये मालूम हुआ कि दोनों को एक जैसी वैल्यू है। तो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।